सुजाता, छलिया, बंदिनी जैसी बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा रही सादगी से भरी नूतन की आज 87वीं बर्थ एनिवर्सरी है। 1936 में जन्मी नूतन एक्ट्रेस शोभना समर्थ की बेटी थीं, लेकिन बचपन से ही उन्हें सांवली रंगत, शरीर और कद के लिए इतने ताने पड़े कि वो खुद को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की समझने लगी। लेकिन फिर जब वो फिल्मों में आईं तो लोगों ने उनकी सुंदरता की मिसाल दी। राजेंद्र कुमार, शम्मी कपूर और संजीव कुमार जैसे कई बड़े अभिनेता भी इनकी खूबसूरती के कायल थे। ये उस दौर की पहली एक्ट्रेस थीं जिन्हें 40 साल की उम्र में भी लीड एक्ट्रेस का रोल मिलता था। वहीं ये बिकिनी पहनने वाली भी पहली इंडियन एक्ट्रेस है। आज जानिए खुद को बदसूरत समझने वाली नूतन के स्टार बनने की कहानी। 4 जून 1936 में मुंबई में जन्मी नूतन के पिता कुमारसेन समर्थ एक फिल्म मेकर हुआ करते थे और मां शोभना समर्थ एक जमाने की जानी मानी अभिनेत्री थीं। बचपन से ही नूतन का वजन काफी कम हुआ करता था, रंग सांवला था और कद ऊंचा। उस दौर में फिल्मों में गठीले बदन की महिलाओं को लिया जाता था, जिससे दुबले पतले और सांवले लोगों को कुरूप समझा जाने लगा। घर वाले भी नूतन को उनके लुक के चलते खूब ताने दिया करते थे, जिससे वो काफी प्रभावित हुई। बचपन से ही नूतन खुद को दुनिया की सबसे बदसूरत लड़की समझने लगी और लोगों से झिझकने लगी थी। नूतन के लुक को देखकर खुद मां शोभना को लगता था कि उन्हें फिल्मों में हाथ नहीं आजमाना चाहिए। नूतन ने साल 1945 की फिल्म नल दमयंती से बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट एक्टिंग करियर शुरू किया था। महज 14 साल की उम्र में नूतन को के आसिन की फिल्म मुगल ए आजम का ऑफर मिला। खुद को बदसूरत समझने वाली नूतन को फिल्म में अनारकली का रोल ऑफर हुआ था, लेकिन उन्होंने इससे इनकार कर दिया। मुगल ए आजम ठुकराने के बाद मां शोभना ने नूतन को लॉन्च करने की जिम्मेदारी ली। 14 साल की नूतन को लेकर शोभना ने हमारी बेटी बनाई। फिल्म में नूतन की छोटी बहन का रोल उनकी असल बहन तनुजा को मिला था। 5 साल की तनुजा सिर्फ एक नींबू पानी के लिए फिल्म में काम करने के लिए राजी हो गई थी। 1951 में नूतन फिल्म नगीना में नजर आई। जब ये फिल्म रिलीज हुई तो नूतन महज 15 साल की थी। नियमों के अनुसार ए सर्टिफिकेट की फिल्मों को 18 साल से बड़े लोग ही देख सकते थे, लेकिन नूतन सिर्फ 15 साल की थी। फिर क्या था, अंडरएज होने के कारण नूतन खुद अपनी फिल्म के प्रीमियर में नहीं जा सकी। हम लोग फिल्म से फिर एक बार नूतन ने देश भर में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीता। पहली फिल्म से नूतन को देश भर में पहचान मिल चुकी थी। जो रिश्तेदार ताने दिया करते थे वही अब फोन करके तारीफ कर रहे थे। फिल्मों में काम करने के लिए नूतन इतनी कड़ी मेहनत करने लगी कि उनका वजन तेजी से घटने लगा। ये देखकर उनकी मां शोभना चिंतित हो गईं। उन्होंने नूतन पर दबाव बनाकर उन्हें आगे की पढ़ाई के लिए स्विट्जरलैंड भेज दिया और खुद मसूरी में रहने लगी। विदेश में रहते हुए नूतन ने एक साल में ही 22 किलो वजन बढ़ा लिया। इसे नूतन अपनी जिंदगी का सबसे यादगार साल बताती हैं। नूतन एक साल बाद पढ़ाई पूरी कर मसूरी पास आ गईं, जहां से उन्होंने 1952 में मिस इंडिया में हिस्सा लिया। नूतन ने इसमें मिस मसूरी का खिताब जीता था। पढ़ाई के बाद भारत वापस आकर नूतन ने 1955 की फिल्म सीमा में काम किया। बेहतरीन कमबैक से उन्हें पहला बेस्ट एक्ट्रेसेस का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। दिल्ली का ठग फिल्म में नूतन स्विम सूट पहनने वाली पहली अभिनेत्री बनी। उनकी कामयाबी का सिलसिला ऐसा चला कि उन्होंने पेइंग गेस्ट, अनाड़ी, सुजाता, छलिया, देवी, सरस्वती चंद और मैं तुलसी तेरे आंगन की में नजर आई। नूतन से शादी करने के लिए राजेंद्र ने उनकी माँ से हाथ मांगा था, लेकिन उन्होंने बेइज्जती कर इनकार कर दिया। शम्मी कपूर भी नूतन को पसंद करते थे, लेकिन दोनों की शादी नहीं हो सकी। 1959 में नूतन ने इंडियन नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की, जिससे 2 साल बाद उन्हें बेटा मोहनीश हुआ। नूतन को फिल्मों में लाने वाली मां शोभना को बेटी के चलते अदालत के चक्कर काटने पड़े। दरअसल नूतन ने मां पर उनके पैसों का गलत तरीके से इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। दोनों का झगड़ा ऐसा बढ़ा कि दोनों की 20 सालों तक बातचीत नहीं हुई। गुस्सा इतना था कि नूतन एक बार अपनी मां को देखकर फ्लाइट से उतर गई थी। शोभना ने एक इंटरव्यू में कहा कि नूतन ने अपने पति के बहकावे में आकर ये सब किया है।
1970 में देवी फिल्म के सेट पर नूतन ने कोस्टार संजीव कुमार को थप्पड़ मार दिया था। ये थप्पड़ नूतन ने अफेयर की खबरें सामने आने पर मारा था, लेकिन लोगों का मानना था कि ऐसा उन्होंने पति के कहने पर किया। रजनीश नूतन के दोस्तों के साथ भी बुरा बर्ताव किया करते थे, लेकिन नूतन को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उनके बेटे ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनके पिता को गलत तरीके से पेश किया गया था। शादी के अगले ही साल नूतन को बिमल रॉय की फिल्म बंदिनी का ऑफर मिला, लेकिन प्रेग्नेंट होने के कारण उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। पति रजनीश ने नूतन को खूब समझाया कि उन्हें ये फिल्म करनी चाहिए, तो वो राजी हो गई। ये नूतन के करियर की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। शादी के बाद भी नूतन फिल्मों में एक्टिव रहीं। वो अपने करियर में कामयाबी का श्रेय पति को दिया करती थीं। ये अपने जमाने की इकलौती एक्ट्रेस थीं जो 40 की उम्र में भी लीड रोल में नजर आईं। 42 साल की उम्र में फिल्म मैं तुलसी तेरे आंगन की के लिए बेस्ट एक्ट्रेसेस का अवार्ड जीतकर नूतन ने सबसे ज्यादा उम्र में ये अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड बनाया। 1990 में नूतन को अपनी बीमारी ब्रेस्ट कैंसर का पता लगा। कैंसर का पता लगने के बाद भी नूतन फिल्मों की शूटिंग करती रहीं। कुछ महीनों बाद फरवरी 1991 में तबीयत बिगड़ने पर नूतन को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उनकी 21 फरवरी को उनकी मौत हो गई। नूतन के पति रजनीश बहल का निधन साल 2004 में उनके अपार्टमेंट में आग लगने से हो गया था।